अब रेस्पायरेशन क्या है वो सांस लेना है वो हमारे जो बॉडी है उसका एक बहुत ही मेजर फंक्शन है अब रेस्पायरेशन जो हो रही होती है वो कुछ सर्फिस पे हो रही होती है और उन सर्फिस को हम रेस्पिरेटरी सर्फिस कहते हैं रेस्पिरेटरी सर्फिस जो हैं वो ऐसे ही कोई कॉमन सर्फिस नहीं होते उनके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो फिक्स हैं उन क्वालिटीज में से सबसे पहली क्वालिटी है कि उन सर्फिस को मॉइस्ट होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए इसलिए मॉइस्ट हों और परमिएबल हों ताकि उनसे एक्सचेंज पॉसिबल हो सके उन सर्फिस को बहुत थिन होना चाहिए थिन इसलिए क्योंकि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है और डिफ्यूजन जो है वो एक ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन्स ख़ास किस्म की सर्फिस से हो सकती है जो थिन हों और अलाउ करें कि जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं उन सर्फिस में से गुजर सकें फिर उन सर्फेसिज का जो सर्फेस एरिया है वो लार्ज होना चाहिए जिस तरह हमारे लंग्स में जो एलव्यूल आए हैं उनका देखने में वो छोटे लगते हैं लेकिन वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं कि उनका सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है फिर एक बात है कि उनके पास एक ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए इसलिए क्योंकि ब्लड में से ही एक्सचेंज हो रही होती है गैसेस की तो वहाँ पे एक एम्पल गुड सप्लाई होनी चाहिए रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक खास सिस्टम के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम द बॉडी सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी फ्लोड एंड आउटर एनवायरमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है जो दो सेक्शन हैं वो हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमारा नोज आ जाता है फेरिंग्स आ जाता है जबकि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमारे पास लेरेंगस आ जाता है ट्रैक आ जाता है ब्रॉन्काय और ब्रॉन्क्यूल्स आ जाते हैं एल्वुलर डक्ट्स और एल्वलाए उसका पार्ट तो अब जो रेस्पिरेशन होती है वो होती इस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास नेजल कैविटी है जिसके पास नॉस्ट्रिल्स हैं अब नेजल कैविटी जो है हमारी वो लाइंड होती है एक तो म्यूकस से और उसमें हेयर भी होते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप किया जा सके उसके बाद हमारे पैसेज में आ जाती है ओरल कैविटी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी जो है वो ओपन हो रहे होते हैं फेरिंग्स के अंदर अब फेरिंग्स जो है एक मस्कुलर पैसेज है जो कि एक्सटेंड होता है ईसोफेगस और लेरिंगस की ओपनिंग में अब लेरेंगस में क्या है एक स्ट्रक्चर है यानी एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस वो ग्लॉटिस जो है वो किस तरह से क्लोज होता है उसके लिए एक स्ट्रक्चर है दैट इज एपी जैसे हमारे गले के दरमियान में बिल्कुल एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि होता है वो उसको क्लोज कर रहा होता है यहाँ से एयर पास करके हमारे ट्रैकिया में जाती है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में विंड पाइप भी कहते हैं ट्रैकिया आगे जाके जो है वो दो डिविजन्स में डिवाइड हो जाते हैं और उनको हम कहते हैं ब्रोंकाई जो ब्रोंकाई हैं आगे वो जब लंग्स के अंदर जाते हैं तो फर्दर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिनको हम कहते हैं और इन्हीं के एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं अब ये जो हमारा फ्लो है जनरल एयर का वो इस तरह से हमारे लंग्स में हो रहा होता है अब एल्वलाय जो है उनका स्ट्रक्चर ऐसे है कि कुछ एलव्यूल डक्ट्स होती हैं वो डक्ट्स जो हैं उनके पास सप्लाई होती है, है, है ब्लड की उसमें वहां ब्लड आना भी होता है और वहां से जाना भी होता है वेन्यूज के थ्रू और arteriolos के थ्रू फिर कैपिलरीज होती हैं जिन्होंने सराउंड किया होता है alveoli को क्योंकि वहां पे अच्छी एक ब्लड सप्लाई की जरूरत है और जो मेजर स्ट्रक्चर है alveoli का उसमें छोटे-छोटे ऐसे गैप्स बने होते हैं जहां पे एयर ट्रैप हो सकती है each alveolus is a sack like structure lined by a single layer of epithelial cells it is bound on the outside by a network of capillaries अब जो हमारे लंग्स हैं उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर लोब्स में डिवाइडेड हैं जो आपका लेफ्ट लंग है उसके दो लोब्स होते हैं उसको हम सुपीरियर और इन्फीरियर लोब कहते हैं जो आपका राइट right लंग है वो तीन लोब्स में डिवाइडेड होता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर लोब तो मिडल वाली है उसको कहते हैं मिडल लोब और जो नीचे वाली है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर और लोअर लोब जो ब्रीदिंग का मिकैनिज़म है वो बेसिकली इस तरह से होता है कि उसको परफॉर्म करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम और उसके साथ कुछ मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स जो कि कंट्रोल करते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स को अब डायाफ्रैम क्या है इट इज़ अ लार्ज डर्म ऑफ स्केलेटल मसल दैट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम अबडोमिनल कैविटी रेस्पिरेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है द फर्स्ट वन इज़ इंस्पिरेशन उसमें होता ये है कि जो केज है वो ऊपर को मूव करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके साथ ही डायफ्रेम जो है वो कॉन्टैक्ट होता है और वो नीचे को मूव करता है उसकी वजह से ये होता है कि थोड़े कैविटी में जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाती है और जो लंग्स पे प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से जो एयर है वो आपके अंदर चली जाती है फिर दूसरी एक्सपेसन होती है एक्सपेरेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि जो रिपकेज है वो नीचे को मूव करता है और इनवर्ड मूव करता है जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है और ऊपर को मूव करता है एक डॉम बना देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो थोड़े कैविटी में स्पेस है वो कम हो जाती है और लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो एयर है वो लंग्स से बाहर निकल जाती है अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो हैं वही यही इन्हेलेशन और एक्सलेन में जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं वो क्या होते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सल्ट विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम अब वो एयर दैट इज़ इनल्ड और एक्सहेल्ड एट रेस्ट उसको हम क्या कहते हैं टाइडल वॉल्यूम और हमारा जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है दैट इज़ 500 हंड्रेड और हमारे लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है जो कि हम डीप ब्रीदिंग करें तो उसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज ऑफ एयर हमारी जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में जो है एक ब्रीदिंग सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ पे मेडुला में अब जो हमारे ब्रीदिंग सेंटर की वेंट्रल साइड है उसको हम क्या कहते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर और जो डोर्सल और लेटरल पोर्शंस हैं उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी

फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है अटैच होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एंड और वो क्या बना देते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कि ट्रांसपोर्ट होती है पूरे ब्लड में फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक और रेस्पिरेटरी गैस है जो कि ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में थ्री मैकेनिज्म के थ्रू द फर्स्ट वन इज एज बाई कार्बोनेट आइंस द सेकेंड वन इज एज कार्बो ऑक्सीमोग्लोबिन एंड थर्ड वन इज एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा अब बायकार्बोनेट की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज से ब्लड में कैसे जाती है वो ऐसे जाती है कि जो हमारे सेल्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई अब वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है कार्बोनिक एसिड अब कार्बोनिक एसिड जो है वो इतना स्टेबल नहीं होता वो फौरन से स्प्लिट हो जाता है दो डिफरेंट आइंस में वहाँ से फिर क्या होता है कि वो आइंस जो हैं वो मूव करते हैं बाहर और उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आइंस जो हैं वो उस रेड ब्लड सेल के अंदर मूव करते हैं और इसमें और इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना अब यहाँ पे हमारे पास ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसफ़र हो गई यहाँ तक फिर इसी तरह तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो ऐसा वो लंग्स में डिफ्यूज़ हो रही होती है यानी एल्वियुलर स्ट्रक्चर्स में डिफ्यूज़ होती है वो इस तरह से होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो ब्लड में ज़्यादा होता है और लंग्स की जो सर्फिस होती है वहाँ कम होता है तो इस पार्शल प्रेशर के डिफ्रेंस की वजह से वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियुलर स्ट्रक्चर्स में डिफ्यूज़ हो जाती है फिर दो और मेथड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के एक ये है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऐसे होता है कि 23 परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरह से डिफ्यूज़ होती है या ट्रांसपोर्ट होती है और यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है और पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से की सर्विस में डिफ्यूज़ हो जाती है दूसरा मेथड है एज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा तो ये बहुत ही एक इनएफिशिएंट मेथड है इसलिए ओनली सेवन परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड और ट्रांसपोर्टेड फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती हैं हमारे पास दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वी हैव हीमोग्लोबिन एंड वी हैव मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स के पास होती है ये फोर इसके पास जो हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं माओग्लोबिन जो है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है और यही रीजन है कि जो मीट रेड दिखता है वो मायोग्लोबिन की वजह से दिखता है और ये सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकती है फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन हैं उसमें हम साइनिसाइटिस को देखेंगे फिर वी हैव हाँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें हमने पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को स्टडी करना है देन वी हैव हाँ लंग्स के डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो सबसे मेजर है दैट इज कैंसर अब जो साइनासाइटिस है वो क्या है कि आपके नेजल जो साइनस हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है ये काजिज़ इसकी जो है वो क्या होती है कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट में पलूशन की वजह से स्मोक डस्ट डेंटल इन्फेक्शन एलर्जीज इन सारी वजह से साइनसाइटिस आपको हो सकता है अब साइनासाइटिस जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है लाइक एट वीक्स कह लें और फिर अगर वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो तो वो एक क्रोनिक प्रॉब्लम बन जाता है इसके ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है अगर कोई इंफेक्शन हो गया उसके साथ तो फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और अगर मसला ज्यादा से हो जाए तो नेबलाइजेशन भी सजेस्ट की जाती है दूसरा पलमिनरी ट्यूबर क्लॉसिस है अब ट्यूबर ये जो है कॉमन लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं टीबी ये क्या है इट्स अ क्रोनिक बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ लंग्स अब इसमें होता यह है कि जो एल्व्यूलाएं हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज से वो जो इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो ट्यूबरकस बना लेते हैं वो ट्यूबरकल बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यूज की एक कवरिंग होती है जो लंग्स में उस स्पॉट पर बनती है जहाँ पे इंफेक्शन होती है ये हमारा एक नेचुरल मेकेजम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का अब होता ये है कि जब वो ट्यूबरकल बन जाते हैं उसके बाद ओवर टाइम वो बर्स्ट होते हैं तो बैक्टीरियल सेल्स और रिलीज़ हो जाते हैं और किसी और जगह पे वो इन्फेक्शन हो जाती है और सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है अब इसकी कॉज जो है वो एक बैक्टीरिया है दैट इज़ माइक्रो बैक्टीरियम और इसका ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ वेरी लॉन्ग इट इज़ नाइन मंथ्स रेगुलर मेडिसिन का एक कोर्स होता है जो कि रिलीजियसली फॉलो करना होता है तो ही ये डिजीज़ खत्म होती है फिर देन वी हैव लंग कैंसर अब लंग कैंसर इज अ डिजीज़ ऑफ़ सेल्स सेल्सिजन इन द टिश्यूज ऑफ लंग होती क्यों है इसलिए होती है स्मोकिंग की वजह से और, और कुछ कार्सिनोजेंस हैं लाइक एस्बेस्टॉस है आर्सेनिक like, है रेडिएशन है, है इसकी वजह से ये होता है और जो लंग कैंसर है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिगुलस फॉर्म्स ऑफ कैंसर नोन टू मैन इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है न्यूमोनेक्टमी है उसका क्या है कि आपको एक लंग पूरा रिमूव करना पड़ता है या फिर लंग का एक कोई लोब रिमूव करना पड़ता है कि वो तो डैमेज हो गया है फर्दर वहां से कैंसर स्प्रेड ना करे इसके साथ साथ क्या होता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी की जाती है पेशेंट की साथ साथ, 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 साथ साथ सपोर्ट के तौर पर और यही इसका ट्रीटमेंट है अब हमें पता है कि लंग कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह स्मोकिंग है उसके साथ भी स्मोकिंग के कुछ और बैड इफेक्ट्स भी होते हैं कि लंग कैंसर के जो 87 परसेंट जो पेशेंस हैं उसमें कॉज जो है वो स्मोकिंग होती है इसके अलावा ये आपके माउथ लेरिंगस और ईसोफेगस का जो कैंसर है उसकी भी एक कॉज है जो कुछ और डिजीज हैं लाइक ब्रोंकाइटिस है एम्फिजमा है स्मोकिंग की वजह से वो भी हो सकता है फिर स्मोकर जो हैं दे आर मोर लाइकली टू गेट निमोनिया क्योंकि उनके जो अंदर लाइनिंग है सीलिया उनके डैमेज हो जाते हैं और डस्ट और बाकी चीज़ें बहुत ईजीली अंदर ट्रैवल कर जाती हैं उसके साथ साथ अगर किसी को एस्थमा है एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है तो स्मोकिंग जो है उसको भी एग्रीवेट करता है और कफ जो है बहुत ज्यादा उस बंदे को होती है तो इस तरह से